lag vai. Cade Dermot. अच्छी बॉल की शादी थी, कमल की जानब खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव में, स्कोर बदस्तू 25 रन एक विकेट के नुकसान पे। लॉन्ग ऑन की जानब खेल दिया इस गेंद को, बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। एक और अच्छी बॉल और उतना ही अच्छे अंदाज में इस गेंद को खेला था इस क्वालक की जानब। और इसके साथ ही ओवर का अख्ताम, साजिद अहमद ने एक ओवर किया, चार रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। पांच ओवर के अख्ताम पे फरहान नॉट आउट है तीन रन पे, जबकि आदम हिसैन ने 20 रन बना रखे हैं। धीमखाना प्रीमियर लीग सीजन वन के सिलसिले का ये मैच वॉरियर्स और केजी फाल्कन की टीमों के दरमियान चिवांची धीमखाना क्रिकेट ग्राउंड चिवांची में खेला जा रहा है। बाब इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए मिड ऑन की जानब, बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने रन मुकम्मल किया। छठे ओवर का खेल जारी है, इकबाल अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए, स्क्वाला की जानेब गेंद को चार रन के लिए बाउंड्री लाइन की जानेब रवाना करने में कामयाब हुए। चार रन के इजाफे के साथ फवान पहुंचे 7 रन पे, केजी फाल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का खेल जा रही है, इकबाल मुनीर एक बार फिर तैयार हुए गेंद करेंगे फवान आबिद को। कवर की जानब खेल दिया इस गेंद को फील्डर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर गेंद को रोकने में यहाँ बोलते दो रन बनी के साथ मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने।
कवर की जानब खेला था, गेंद को अच्छी फील्डिंग का मजा आया, कवर पे खड़े पे पलटा की जानब से वन आउट होते होते बाल बाल बच गए। पवन आवे बच्ची थी वो थी कवर पे खड़े हुए पलटा की जानब से बाल मुनीम इसको पिक करने में नाकाम है, वरना यकीनी तौर पे ये वन आउट होता। कवर की जानब खेला था, गेंद को अच्छी फील्डिंग का मजा आया, कवर पे खड़े हुए पलटा की जानब क्रीज से बाहर निकले हुए कदमों का इस्तेमाल और मिड ऑन की जानब चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। क्रीज से बाहर निकले हुए कदमों का इस्तेमाल और चार रन के इजाफे के साथ आदम पहुंचे 25 रन पे। केजी फाल्कन का पड़ता हुआ स्कोर 40 रन एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का खेल क्या हुई है, पॉइंट की जानब खेला था, इस गेंद को रन लेना चाहते थे। और इसके साथ ही ओवर का अख्तितम, इकबाल मुनीर ने 3 ओवर किए 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 6 ओवर के अख्तितम पे केजी फाल्कन का स्कोर 40 रन एक विकेट के नुकसान पे। आदम नॉट आउट 25 रन पे, जबकि फवान आबिद ने 10 रन बना रखे हैं। गेंद करने के लिए आए फुल टॉस बनाते हुए इस गेंद को खेल दिया आप क्वालिटी जाने बॉल थी विकेट में आती हुई गेंद को स्क्वायर लेग की जानब खेलने में कामयाब हुए पवन। चौबीस गेंद को 30 रन की एक अच्छी शराकत आदम और पवन के दरमियान अच्छी बॉल अच्छी बॉल
दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर रहना पड़ा आज अमीर को। सातवें ओवर का खेल जारी है। दोनों बैट्समैनों ने रन मुकम्मल कर लिया। अब एक बार फिर तैयार हुए अच्छी बॉल की इस्वाल की जाने खेला था इस गेम को बॉल के साथ ही ओवर का इख्तिताम आपने एक ओवर किया पांच रन दिए कोई विकेट हासिल ना कर सके। सात ओवर के अख्तितम पे केजी फैल्कन का स्कोर 45 रन केजी फैल्कन का स्कोर 7 ओवर के अख्तितम पे 45 रन एक विकेट के नुकसान पे आदम निशा नॉट आउट है 27 रन पे जबकि फरहान आबिद ने 53 रन बना रखे हैं। क्या स्टॉप हो गया मिजबान बॉल की पहली गेंद पे फरहान आबिद चौका लगाने में कामयाब हुए थे और दूसरी गेंद पे एक आसान कैच ने ड्रॉप कर दिया फरहान आबिद का और इसके साथ ही केजी फैल्कन की इनिंग के 50 रन भी मुकम्मल हो गए। केजी फैल्कन का स्कोर 50 रन विकेट में आते इस गेंद को मिड ऑन की जानब खेल दिया। आप इस गेंद को मिड ऑन की जानब खेलने में कामयाब हुए। आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने।
दो रन के साथ पवन अब पहुंचे 20 रन पे। तेजी फैल्कन का स्कोर हुआ 53 रन एक विकेट के नुकसान पे। पॉइंट की जानब खेल दिया इस गेंद को, अच्छी बिल्डिंग थी पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर की जानब से, मगर इस जवान बड़ी तेजी के साथ रन मुकम्मल दोनों का स्कोर है। गेंद को लॉन्ग ऑन की जानब खेल दिया, एक रन बना और एक ही रन पे दोनों बैट्समैनों को इस्तीफा करना पड़ेगा। फील्डर मौजूद है और इसके साथ ही ओवर का अख्तितम। मिजबान ने एक ओवर किया 10 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 8 ओवर के अख्तितम पे केजी फैल्कन का स्कोर 55 रन एक विकेट के नुकसान पे। पवन अब नॉट आउट है 21 रन पे, जबकि आदम ईसा ने 29 रन बना रखे हैं। अच्छी अब कोविड मार्च पार्टनरशिप आदम ईसा और पवन आविफ के दरमियान, तो आहिस्ता आहिस्ता केजी फैल्कन की पोजीशन को मजबूत से मजबूत बनाते हुए। और दूसरा रन भी लेना चाहते थे आदम ईसा, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन खड़े हुए फील्डर की जानिब से। आफ्ताब एक बार पे और अच्छी बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल मिड ऑन की जानिब खेल दिया इस गेंद को। एक रन का मजीद इजाफा, आफ्ताब गेंद को खेल दिया स्क्वायर लग की जाने, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का। चार रन के इजाफे के साथ आदम पहुंचे 34 रन पे, केजी फैल्कन का स्कोर हुआ 61 रन। एक और अच्छी बॉल थी और इतने ही अच्छे अंदाज में इस गेंद को स्क्वायर लग की जाने निकाल दिया। एक रन बना पड़ी केजी के साथ, दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इसके साथ ही दूसरी विकेट के लिए आदम ईसा पवन आविफ के माबैन 37 गेंदों पर 50 रन की शानदार शराकत भी मुकम्मल हो गई। दो रन के इजाफे के साथ आदम पहुंचे 36 रन पे, जबकि पवन अब अपने 22 रन बना रखे हैं। इस बार फिर क्रीज से बाहर निकले, स्क्वाड की जानब खेला था इस गेंद को, बड़ी आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। 9 ओवर का खेल अभी जारी है, अब तो एक बार फिर गेंद करेंगे पवन अब इसको। बाब अच्छी बॉल थी, कवर की जानब खेलना चाहते थे कामयाब नहीं हुए। और इसके साथ ही ओवर का अख्तितम, आफ्ताब ने 2 ओवर किए 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। 9 ओवर के अख्तितम पे केजी फैल्कन का स्कोर 64 रन एक विकेट के नुकसान पे। पवन अब नॉट आउट है 22 रन पे, जबकि आदम ईसा ने 37 रन बना रखे हैं। दूसरी विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप पवन आविफ और आदम ईसा के माबैन, जो केजी फैल्कन की पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत से मजबूत बनाते हुए।
इंतहाई शानदार और खुशमात बैटिंग का मुजाहरा पवन आबिद और आदम ईसा ने अब तक किया है। इसको अच्छा शॉट था आदम ईसा का, इससे बाहर निकल के फुल टॉस बनाते हुए गेंद को मिड ऑन की जाने चार रन के लिए बाउंड्री लाइन की जाने रवाना करने में कामयाब हुए। चार रन के इजाफे के साथ आदम ईसा पहुंचे 41 रन पे। एक और खूबसूरत और स्टाइलिश शॉट लॉन्ग ऑन मिड ऑन की जाने, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने रन मुकम्मल कर लिया। एक रन के इजाफे के साथ आदम ईसा पहुंचे 42 रन पे। तेजी फैल्कन का स्कोर हुआ 69 रन। 10वां ओवर का खेल अभी जारी है। अच्छी बॉल थी मिजवान की, विकेट में आती हुई गेंद को मिड ऑन की जाने खेल दिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा मिड ऑन पे खड़े हुए बिल्डर की जाने से इंतहाई शानदार कैच किया मिड ऑन पे खड़े हुए फील्डर ने।
सुबह का अख्ताम दस ओवर के अख्ताम पे तेजी फैलकन का स्कोर 57 रन, दो विकेटों के नुकसान पे। आदम इसका नॉट आउट है 42 रन पे, जबकि आज ख्वाजा ने एक रन बना रखा है। रान उमर ने दो ओवर किए, 16 रन दिए और एक विकेट हासिल की। आपकी खेलना चाहते थे इस गेंद को बॉल की जाने स्कोर बदस तू 57 दो विकेटों को नुकसान। 11वें ओवर का खेल जा रही है अब अपना तीसरा ओवर कर रहा है जबकि इनिंग का 11वां ओवर है। और दूसरा रन भी लेना चाहते थे आपका कीमती विकेट हासिल करने में तेजी गवियल के लिए मन की जान निकाल दिया इस गेंद को।
12 اوور کے اختتام پہ کے جی فیلکن کا اسکور 58 چار وکٹوں کے نقصان پہ. عمر ناٹ آؤٹ ہے. آفتاب اپنی بالنگ جاری رکھیں گے. آفتاب چوتھا اور اننگ کا 13 اوور کر رہے ہیں. اس کو الگ کی جانب کھیلا تھا اس گیند کو. ایک رن بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا دونوں بیٹسمینوں نے ایک رن کے اضافہ کے ساتھ. عمر پہنچے 5 رن پہ جبکہ عمر عثمان 2 رن پہ ناٹ آؤٹ ہیں. بیٹمین کی جانب نکال دیا اس گیند کو. ایک رن مناج دوسرا رن بھی یقینی طور پہ دونوں بیٹسمین مکمل کریں گے. کافی دور سے بھاگ کے آنا پڑا فیلڈر کو گیند کو فیلڈ کرنے کے لیے. اس دوران 2 رن کا مزید اضافہ ہوا کے جی فیلکن کے اسکور میں. والا کی جانب کھیلا تھا اس گیند کو. بال تھی اب کی بار آفتاب کی. ناکام رہا اس گیند کو کھیلنے میں اور اس کے ساتھ ہی آفتاب کا اوور اپنے اختتام کو پہنچا. آفتاب نے اپنے کوٹے کے 4 اوور مکمل کر لیے. آفتاب نے 4 اوور کیے, 25 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی. 13 اوور کے اختتام پہ کے جی فیلکن کا اسکور 84 رن 4 وکٹوں کے نقصان پہ. عمر عثمان ناٹ آؤٹ ہے 5 رن پہ جبکہ عمر نے 6 رن بنا رکھے ہیں. وائٹ بال ہوگی.
دو رن کا مزید اضافہ کے جی فیلکن کے اسکور میں. عزیز احمد فیلڈ ہوئی, ایک رن بنا, دوسرا رن بنا, تیسرا رن بھی بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا دونوں بیٹسمنوں نے. اور ایک اور وائٹ بال اسٹراس میں, ایک رن کا مزید اضافہ. کی جانب کھیلا تھا اس گیند کو, ایک بار پھر مس فیلڈ ہوئی فیلڈر سے, جس کا پورا فائدہ اٹھایا دونوں بیٹسمینوں نے. بڑی آسانی کے ساتھ ون مکمل کر لیا تھا دونوں بیٹسمینوں نے. ایک ون کے اضافے کے ساتھ کے جی فیلکن کا پڑتا ہوا اسکور 91 رن, 4 وکٹوں کے نقصان پہ 14 اوور کا کھیل ابھی جا رہی ہے. کور کی جانب کھیل دیا ہے, ایکسٹرا کور کی جانب کھیلا تھا اس گیند کو. دو رن کا مزید اضافہ کے جی فیلکن کے اسکور میں. اس گیند کو دفاعی انداز سے کھیل دیا, گیند زیادہ دور نہیں گئی تھی جب تک فیلڈر گیند کو فیلڈ کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ایک رن مزید حاصل ہوا کے جی فیلکن کو. شاہد احمد پھر تیار ہوئے گیند کریں گے عمر کو, لانگ آن کی جانب کھیلنے میں کامیاب ہوئے اس گیند کو. اور اس کے ساتھ ہی اوور کا اختتام. شاہد احمد نے 3 اوور کی 17 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی. 14 اوور کے اختتام پہ کے جی فیلکن کا اسکور 95 رن, 4 وکٹوں کے نقصان پہ. عمر ناٹ آؤٹ ہے 11 رن پہ, جبکہ عمر نے 8 رن بنا رکھے ہیں.
پندرہ اوور کا اختتام، پندرہ اوور کے اختتام پہ کے جی فیلکن کا اسکور ہوا 103 ہے. پندرہ اوور کے اختتام پہ کے جی فیلکن کا اسکور 103 رن 4 وکٹوں کے نقصان پہ. عمر عثمان نارڈ آؤٹ ہے 13 رن پہ، جبکہ عمر نے 11 رن بنا رکھے ہیں. حمزہ نے ایک اوور کی 8 رن دیے، کوئی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. عمر آؤٹ ہونے کے بعد پویلین واپس، اب اس طرح پانچواں نقصان اٹھانا پڑا کے جی فیلکن کی ٹیم کو. کے جی فیلکن کا اسکور 103 رن 5 وکٹوں کے نقصان پہ. میں بھی ایک بار پھر تیار ہوئے، گیند اچھی بال تھی. ان کا مزید اضافہ کے جی فیلکن کے اسکور میں. ایک رن کے ساتھ علی نے اپنا اسکور کا آغاز کیا. علی پہنچے ایک رن پہ، کے جی فیلکن کا اسکور ہوا 104 رن 5 وکٹوں کے نقصان پہ. 16 اوور کا کھیل ابھی جاری ہے. پوائنٹ
पॉइंट की जानिब निकाल दिया इस गेंद को। एक रन का मजीद इजाफा, तेजी फाल्कन का पड़ता हुआ स्कोर 156 5 विकेटों के नुकसान पे। 16वां ओवर का खेल जारी है। तेजी एक बार फिर तैयार हुए गेंद करेंगे उमर उस्मान को। अच्छी बॉल थी, बिल्कुल नहीं समझ सके इस गेंद को उमर, और इसके साथ ही ओवर का अख्तिताम। 16 ओवर के अख्तिताम पे केजी फाल्कन का स्कोर 156 5 विकेटों के नुकसान पे। उमर नॉट आउट है 14 रन पे, जबकि अली ने एक रन बना रखा है। मैदी ने एक ओवर किया, 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अच्छी और निपटली बॉलिंग का मुजाहरा किया मैदी रिजवी ने, अपने पहले ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जाएगी गेंद को फुल टॉस बनाते हुए खेलना चाहते थे अली, कामयाब नहीं हुए। इसको पता स्टूब 156 आपके बाद इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की जानेब। एक रन बना, दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 2 रन के इजाफे के साथ केजी फाल्कन का स्कोर 108 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। हमजा आधा जोरदार शॉट था, अली का फील्डर मौजूद थे लिहाजा एक ही रन पे दोनों बैट्समैनों को इक्तफा करना पड़ा। एक रन के इजाफे के साथ अली सुबह भी पहुंचे 4 रन पे। केजी फाल्कन का स्कोर हुआ 109 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। लॉन्ग ऑन की जानब खेल दिया इस गेंद को, एक रन बना, दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे दोनों बैट्समैन। दो रन का मजीद इजाफा केजी फाल्कन के स्कोर में। केजी फाल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 111 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। हमजा आए गेंद की और हमजा की इस गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की जाने पे। एक रन बना, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा पवित मार शॉट था। आए गेंद की और हमजा की इस गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की जाने। उमर उस्मान का 4 रन के इजाफे के साथ उमर पहुंचे 20 रन पे। केजी फाल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पे।
और फिर इस गेंद को मिड विकेट की जानिब निकाल दिया मिसफील्ड हुई, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और स्क्वायर लेग से फील्डर को भाग के आना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए मिड विकेट पे। फिर तो दो रन का मजीद इजाफा और इसके साथ ही ओवर का अख्तितम 17 ओवर के अख्तितम पे केजी फैल्कन का स्कोर 117 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। हमजा ने 2 ओवर किए 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना कर सके। उमैर उस्मान नॉट आउट है 22 रन पे, जबकि अली जुबैरी ने 4 रन बना रखे हैं। 3 ओवर का खेल अब बाकी रह गया है, देखना यह है कि बाकी मानदा 3 ओवर में केजी फैल्कन के बैटर इसके रफ्तार से इजाफा करने में कामयाब होते हैं, जबकि उनकी अभी 5 विकेटें बाकी हैं। मिड ऑन की जानब खेला था इस गेंद को, एक रन का मजीद इजाफा। साजिद गेंद करने के लिए आए हैं, साजिद अपना 14वां इनिंग का 18वां ओवर करेंगे। साजिद आपकी बाप इस गेंद को फील्डर के सब के ऊपर से निकाल दिया, 4 रन होंगे। क्वालक बाउंड्री पे गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। आपकी बाप इस गेंद को और अच्छी बॉल थी आपके पास और इतना ही अच्छे अंदाज में इस गेंद को खेला था उमर ने। एक रन का मजीद इजाफा केजी फैल्कन के स्कोर में, केजी फैल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 123 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और आता जो था जवाना शॉट था अली जुबैरी का, फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम है। 5 विकेटों का नुकसान पे और 5 विकेटों का नुकसान पे 4 रन के इजाफे के साथ अली पहुंचे 9 रन पे। फिर कदमों का इस्तेमाल, क्रीज से बाहर निकले, लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया इस गेंद को, एक रन का मजीद इजाफा। एक रन के इजाफे के साथ अली जुबैरी पहुंचे 10 रन पे। केजी फैल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 18वें ओवर का खेल जा रही है, उसके साथ ही ओवर का अख्तितम 18 ओवर के अख्तितम पे 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। केजी वेबियस का स्कोर
जुबैर नॉट आउट है 27 रन पे, जबकि अली जुबैर ने 10 रन बना रखे हैं। साजिद अहमद ने अपने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल कर लिया। साजिद ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 2 ओवर का खेल अब बाकी रह गया। देखना है कि बाकी मांदा 2 ओवर में केजी फैल्कन के बैटर्स कितना इजाफा करने में कामयाब होते हैं अपनी टीम के लिए, जबकि उनकी 5 विकेट अभी बाकी हैं। अलग की जानब खेला था इस गेंद को, एक रन बना, दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया। दोनों बैट्समैनों ने 2 रन के इजाफे के साथ केजी फैल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 130 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 19वां ओवर का खेल शुरू हो चुका है। असद अब्बासी अपना 30वां इनिंग का 19वां ओवर का है। एक बार फिर स्क्वायर की जानब खेला इस गेंद को और एक ही रन पे दोनों बैट्समैनों को इक्तफा करना पड़ेगा। एक रन के इजाफे के साथ अली पहुंचे 13 रन पे, जबकि केजी फैल्कन का स्कोर हुआ 131 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। असद अब्बासी वाइट बॉल होनी चाहिए, शॉर्ट बॉल हुई। जाने खेल दिया इस गेंद को, रन पाएगा एक रन का मजीद इजाफा। और इस एक रन इजाफे के साथ अली जुबैर और हुमैर उस्मान के मामा 22 गेंदों पर 30 रन की शानदार शराकत भी मुकम्मल हो गई। 30 विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हुमैर उस्मान और अली जुबैर के मामा। जानब खेल दिया इस गेंद को, एक रन बना और एक रन बन पाएगा। उसके साथ ही ओवर का अख्तितम 19 ओवर के अख्तितम पे केजी फैल्कन का स्कोर 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। असद अब्बासी ने 3 ओवर किए 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अली सुबह भी नॉट आउट है 14 रन पे, जबकि उमर उस्मान ने 29 रन बना रखे हैं। एक ओवर का खेल अब बाकी रह गया है। देखना है कि अब ये 6 गेंदों पे केजी फैल्कन के बैटर्स कितना इजाफा करने में अपनी टीम के लिए कामयाब होते हैं, जबकि उनकी 5 विकेट अभी बाकी हैं।
सवाल है पापा, कामयाब हुए यावन के इजाफे के साथ। उमर उस्मान पहुंचे 33 रन पे। के जी फैल्कन का स्कोर हुआ 139 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 20वें और आखिरी ओवर का खेल चल रही है। 5 गेंदों का खेल अब बाकी रह गया है। हेडमैन की जानब निकाला था इस गेंद को, एक रन बना। दूसरा रन भी बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 2 रन के इजाफे के साथ उमर उस्मान पहुंचे 35 रन पे। के जी फैल्कन का स्कोर हुआ 141 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और आपकी बात अच्छी बॉल थी कामरान की, नाकाम हुआ इस गेंद को खेलने में। स्कोर बदस्तूर 141 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 20वें और आखिरी ओवर का खेल चल रही है। एक और अच्छी बॉल, एक बार फिर इस गेंद को खेलने में नाकाम है उमर उस्मान। स्कोर बदस्तूर 141 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और वाइट बॉल होगी, वाइट बॉल। एस्ट्रास में एक रन का मजीद इजाफा। 2 गेंदों का खेल अब बाकी रह गया है। के जी फैल्कन का स्कोर हुआ 142 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। पॉइंट की जानिब खेल दिया इस गेंद को, एक रन बनाओ। एक ही रन पे इक्तफा करना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। एक रन के इजाफे के साथ उमर पहुंचे 36 रन पे। के जी फैल्कन का बढ़ता हुआ स्कोर 143 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 20वें और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल, कामरान गेंद करेंगे अली जुबैरी को। क्रीज से बाहर निकल के खेलना चाहते थे इस गेंद को, नाकाम हुए। और इसके साथ ही ओवर का अख्तितम, 20 ओवर के अख्तितम पे के जी फैल्कन का स्कोर 143 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। अली जुबैरी नॉट आउट रहा 14 रन पे, जबकि उमर उस्मान ने 36 रन की एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। अब इस तरह के जी फैल्कन ने के जी वॉरियर्स की टीम को मुकाबला 20 ओवर में 144 रन का अदब दिया है। अब से कुछ ही देर के बाद के जी वॉरियर्स की टीम अपने इनिंग का आगाज करेगी। उस वक्त के लिए हम आपको कुछ देर के लिए वापस स्टूडियो लिए चलते हैं।
الله الرحمن الرحيم. تو 44 رن کے ہدف کے تعاقب میں کے جی ویریس کی بیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے. کے جی ویریس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ مہدی رضوی جانب کھیل دیا مہدی نے گیند کو اور مس فیلڈ ہوئی. وکٹ کیپر سے کا پورا فائدہ اٹھایا دونوں بیٹسمینوں نے. اوور تھرو کا ایک رن حاصل کیا. ایک رن کے اضافے کے ساتھ مہدی رضوی پہنچے پانچ رن پہ اور سلمان ملک ناٹ آؤٹ ہے تین رن پہ. دوسرا اوور کا کھیل جاری ہے. فوان عابد گیند کر رہے ہیں اور فوان کی گیند کو الگ کی جانب کھیلا تھا اور مس فیلڈ. ایک بار پھر مس فیلڈ ہوئی جس کے نتیجے میں چار رن کے لیے گیند باؤنڈری لائن کراس کر گئی. عابد گیند کر رہے ہیں اور پوان کی گیند کو چار رن کے اضافے کے ساتھ اور سلان پہنچے سات رن پہ. اور اس کے ساتھ ہی دوسرے اوور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا. دو اوور کے اختتام پہ کے جی ویریس کا اسکور 14 رن کسی وکٹ کے نقصان پہ. مہدی رضوی ناٹ آؤٹ آف پانچ رن پہ جبکہ اور سلان غیب عثمان نے ایک اوور کیا پانچ رن کر سکے. اچھی اپیل تھی اسٹمپ کی. امپائر کا اشارہ آؤٹ. پھر آئے گیند کی کور کی جانب کھیل دیا گیند کو پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے فیلڈر. اسکور بدستور 14 رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ. تیسرے اوور کا کھیل جاری ہے. رضاب عثمان گیند کر رہا ہے مہدی رضوی کو. الگ کی جانب گئی تھی گیند بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا دونوں بیٹسمینوں نے. ایک رن کے اضافہ کے ساتھ ویریس کا اسکور ہوا 15 رن. عثمان رام بولر اسٹر کور کی جانب کھیلا تھا اس گیند کو. فیلڈر موجود ہیں لہٰذا کسی رن کا کوئی اضافہ نہیں. اسکور بدستور 15 رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ. اس میں اوور کا کھیل جاری ہے. کٹ کر دیا گیند کو. بیٹسمین کی جانب کھیلا تھا جب تک فیلڈر گیند کو فیلڈ کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دونوں بیٹسمینوں نے رن مکمل کر لیا. اور اس کے ساتھ ہی اوور کا اختتام تین اوور کے اختتام پہ کے جی ویریس کا اسکور 16 رن بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ.
मैथ्यू इज भी नॉट आउट एट 7 पे जबकि अफसलान मलिक ने 8 रन बना रखे हैं, उजैब उस्मान ने 2 ओवर किए हैं और सिर्फ 7 रन दिए उन्होंने, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जवाती जिमखाना प्रीमियर लीग सीजन 1 के सिलसिले का ये मैच के डी वॉरियर्स और के डी फैल्कन की टीमों को माबन जवाती जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड जवाती में खेला जा रहा है। ये मैच यूनाइटेड विजन के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर बाईवास टेलीकास्ट किया जा रहा है। पवान आबिफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना कर रहे हैं अरसलान मलिक। बॉलिंग जारी रखेंगे सामना कर रहे हैं अरसलान मलिक। बड़ी खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया था और सलान ने पालक पे बाउंड्री की जानेब 4 रन के लिए, 4 रन के इजाफे के साथ सलान पहुंचे 12 रन पे। एक बार फिर इस गेंद को निकालना चाहते थे, स्क्वालक की जानेब कामयाब नहीं हुए, मिड विकेट की जानेब गेंद गई। एक बार फिर 4 रन का इजाफा, एक बार फिर इस गेंद को निकालना चाहते थे, स्क्वालर की जानेब कामयाब नहीं हुए, मिड के जी वॉरियर्स के स्कोर में 4 रन के इजाफे के साथ अरसलान मलिक पहुंचे 16 रन पे जबकि स्कोर हुआ 24 रन। चौथे ओवर का खेल जारी है, पवान आवे पर एक बार फिर तैयार हुए गेंद करेंगे अरसलान मलिक को, जो कि 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर नॉट आउट है। पॉइंट की जानब खेल दिया इस गेंद को, पॉइंट और गली के बीच से खड़े हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। इस दौरान एक रन का मजीद इजाफा, के डी वॉरियर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और वाइड बॉल एस्ट्रास में एक रन का मजीद इजाफा, एक बार फिर मिस फील्ड हुई थी विकेट कीपर से, मगर स्कोर बदस्तूर 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पवान आवेफ एक बार फिर लॉन्ग ऑन की जानब निकाल दिया इस गेंद को, अच्छी फील्डिंग और मगर एक बार पे मिस फील्ड हुई, पूरी कोशिश की थी फील्डर ने गेंद को रोकने की मगर नाकाम, एक्स्ट्रा कवर से भाग के आना पड़ा फील्डर को गेंद को फील्ड करने के लिए। इस दौरान 2 रन का मजीद इजाफा हुआ केडी वॉरियर के स्कोर में, 2 रन के इजाफे के साथ मेदी पहुंचे 8 रन पे, वॉरियर का स्कोर हुआ 28 रन। और उठता हुआ शॉट बिल्डअप गेंद के नीचे और आउट, और इस तरह पवान आबिफ के जी फैल्कन के लिए पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। मेहदी बिजवी 10 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद आउट होकर पवेलियन वापस, पहला नुकसान उठाना पड़ा के जी वॉरियर्स की टीम को। के जी वॉरियर का स्कोर 28 रन एक विकेट के नुकसान पे। 2 रन के इजाफे के साथ मेदी पहुंचे 8 रन पे, वॉरियर का स्कोर हुआ 28 रन। और उठता हुआ शॉट बिल्डअप गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए फील्डर ने कैच लेने में, और इस तरह पहली कामयाबी हासिल हुई केजी वॉरियर केजी फैल्कन की टीम को।
नए आने वाले बैट्समैन कामरान हुसैन छोड़ता सलान मलिक का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल इससे बाहर निकले और मुसलसल दूसरा सिक्स लगाने में कामयाब हुए। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल और सलान मलिक 6 रन के इजाफे के साथ अब सलान पहुंचे 29 रन पे। Bowler under pressure this time, defense, a sigh of relief for the bowler, but yet again an expensive over. 16 runs of this over so far. This time on the back foot, hit towards the mid wicket, 4 more runs, and that is one expensive over. 20 runs of the over so far, 48 for 1. This time on the back foot, hit towards the mid wicket, 4 more runs. Batting on a strike rate of 205, 37 of 18 deliveries, 5 fours and 2 sixes. Unbelievable batting. This time, last delivery. Another dot delivery, but 20 runs of that over. End of the fifth over, KG Warriors chasing 144, 48 for 1. Arsalan Malik is on fire. So Kamran Hussain has joined in Arsalan Malik, yet to face a ball. But he thoroughly must be enjoying the view from the other end as Arsalan took Ali Zubairi for 20 runs in his first over. Still one over remaining in the power play. And the initial required rate, which was near 7, has now reduced. Almost 6 now. Another change in the bowling. Another change in the bowling. Imran Ansari. Time hit towards mid-off. No run added to the total. Last over of the power play. 5 deliveries remaining. Now Warriors cruising through so far. This time hit beautifully towards the point region. One more run added to the total. He wanted the second and sent back by Arsalan Malik. So 4 deliveries remaining in the power play. Will Arsalan Malik go for it?
done his job beautifully so far. 49 for one. Four deliveries remaining in the power play. 95 required of 88 deliveries. Time slower, flight to delivery, hit towards the short third man fielder for one. So that brings up the 54 KG Warriors. 50 up in the sixth over. Brilliant batting. A blistering start by KG Warriors, courtesy Arslan Malik. This time another loopy delivery, and the batsman is down on the ground. So dot ball. More importantly, two deliveries remaining in the power play. 50 for one. Time another flighted delivery. Not of the middle of the bat, and he's caught out. Very well judged catch. Kamran Hussain is dismissed without troubling the scorers. Out caught of one, and now delivery, a slight ray not of the middle of the bat, and he's the Falcons as they got their second wicket. Still one delivery remaining in the power play. The Warriors need one good partnership to bat till the 12th over at least. Still 96 runs to get. Now this is the opportunity for Falcons to get some quick wickets, ball some tidy overs, get back into the game, as the start for the Warriors has been blistering. The last delivery of the power play, left and right combination in the middle now. Another flighted delivery, forward defense, dot ball to end the power play. And with that, 50 for one, end of six overs now. 94 runs required of 84 deliveries. Asad Abbasi is the new batsman. Now, heavy responsibility on Arslan Malik, who has to bat through at least till the 12th or 14th over if Warrior needs to be in a comfortable position. Still batting to come for the Warriors.
coming for commentary now, Ayano Sen. Score is 50-2. No runs taken on this ball. It was a top ball. Good shot for a single. Three balls of the over are already over. Score is 51-2. Another good shot. It was a full toss. They take a single only. No runs taken on this ball. The score remains the same. It's 52-2. Last ball of the over. Good shot, and it's a boundary. It's 4. They finished the over with a boundary. It's a very good 4. Good shot. 4 is now 56-2, and the 8 over will start. Current run rate is 8. The required is 6.77. So they basically need 7 runs per over, but they're a little bit ahead of the run rate right now, which is good for Warriors playing well here. It's a good shot, but it's dropped by the fielder at the boundary. Imran Ansari, who's bowling here in his first over, he only gave 2 runs and took 1 it's wicket. Good shot, but it's dropped by the fielder at the boundary. They ran 2, and the score is 58-2. No run taken on this ball, and the score remains the same, 58-2. Very good batting. It's a long shot, but there's a fielder under it. It's dropped by the fielder once more. They are missing too many chances, Falcons. If they keep on missing chances like this, they could eventually lose this match. Batting. It's a long shot, but there's a fielder under it.
two drop catches we can see in this over. Good shot, this might be four. And it is four, it's a boundary. Very good shot played by the batsman. Good shot, this might be four. Aslan Malik is getting closer to his half century. He's on 47 for four. 25 balls. The 3 run needed for his half century. Playing really well here. Oh, it's a good shot and it goes for a boundary. It's 50 for Arslan Malik. He's been batting really well here. Some amazing batting seen from Arslan Malik. Oh, it's a good shot and it goes. They are really regretting the cash drops now. Last ball of the over. They will miss field, but they only take one run. It's 68 for 2. The ninth over will now start. Warriors are playing absolutely fantastic here. If they keep this pace, they'll win this match by a huge margin. Some substitution we can see. Calling now Nofal Javed. Fire has given it wide. Nofal Javed gave 6 runs in his first over that he did. Good shot, this could be 4 again, no, but it's in the fielder's hand and they take 2. Good running. Good ball. They only take 1. Bowled him. Good bowling by Paul Javed. Batsman walks back to the pavilion. Asad Abbasi, only 4 for 5. Bowled him.
made 4 runs for 5 balls. Score is 71 for 3. 2 balls of the 9th over are over. Going to bat now is Aga Arslan. Paul Javed, who just took a wicket, continue his bowling. Strike. One strike is now the new batsman, Aga Arslan. No runs taken on. Score is now 71 for 3. It hasn't moved. A good ball. No runs taken. Good shot for a single. Coming to ball now is a very good leg spinner, Adam Issa. He'll bowl his first over here. And he'll start the 10th over. Good shot for single.
What a shot. It does not clear the boundary and they only... Only take a single there. Score is now 74 for 3. Another good shot for a single. It's a misfield, it's a misfield, they run for 2. Bamboozled by Adamisa, but it does not draw the edge, so point of appealing. No runs taken on this ball. Only a single taken on the last ball of the over. 7 for 3 now. Warriors. A small water break for both the teams.
Both the teams going back to the pitch now. The 11th over will now start. Arslan Malik is on strike. Nufal Javed will bowl this over. One wicket and gave away 10 runs in the previous two overs. Good shot, and this could be a boundary. And oh, it's stopped by the fielder. They take only one run. Good shot, and this could be a boundary, and they take a quick single, and they reached. Good run there. Salon Malik is back on strike. He is playing some fantastic cricket here. Really good batting. Another good shot for a single. One more good shot for single. Take another single. Arslan Malik on strike now. Good shot, and they take two. Wow, good running by the batsman. The score is now 83 for 3. Last ball of the over. Last ball of the 11th over. The 12th over will now start.
take a single. But given not out. Top ball. Score is now 86-3. Good shot, but only single taken. What a good shot, and this is six. Absolutely smash that ball. It's a six. The score is now 87-3. What a good shot, and this is six. Arslan Malik single-handedly carrying the Warriors to the victory. Score is now 93-3. Arslan Malik keeps on playing like this. This could be a century for Arslan Malik. He's on No runs taken on this ball. It was a drop ball. Last ball of the over. And this is a four. Good boundary. A bit of expensive over here. Adam Issa, who was bowling well at first. And this is a four.
good fielding. Couldn't get past the fielder, or this could have been a possible boundary. Score is now 97-3. Aga Arslan on strike now. No runs taken on this ball, and it's a dot ball. Good shot in the fielder's hand, and they take two. Score is now 99-3. Appeal for RBW, not given, not out. It's an other dot ball. And last over of the, last ball of the over, 13th over. A good shot. But they only take a single for that. And with this, the 13th over now ends, and it'll be starting of the 14th over. Coming for commentary now, Akbar Asad Mirza, Azim, and I'll take a little bit of break. Hello. Back for the 14th. On strike is Arslan Malik. Bowled, 14th over is by Uzair Usman, who has given a very, very good economy of just 3.3 with 10 runs in 3 overs. As it is his last over, they really have to try to get and to defend a lot of runs. KG Falcons, they need a run rate of 6, so they have more run rate. Game's in Warriors' hands, but you never know. Wickets could be taken, runs could be stopped. We'll see. And the Over Cup begins. Oh, it's an appeal for RBW. The umpire says no. Even it's a dot ball. And there's get one run. They have a required run rate of 6.45. The run rate they have is over 7. So they have one run over the required run rate. Farhan Arif bowling his third ball. Given taken one wicket and given 22 runs. And it's gone straight. They take a little slow single. Yeah.
need 42 in 39. Dot ball. Gonna roll way back behind them. Two runs. Four. Let's take a quick replay. See how he hit. And 13.4. Looks like the batsman wasn't ready right now. Oh, it's defended. Run rate dropping required. Six exactly. 38 and 38. We strike rate about 100. Last ball of the 13th. The 14th over, to be exact. But there wasn't a good direct hit. The single was taken. And it's a very good drive. This could be four. And no, the other fielder has stopped it and they just take two. I will now be handing over the mic. Now, end of 14 overs, KG Warriors 109 for 3, chasing 144. Arsalan Malik has been the anchor so far, 72 of 39 deliveries, 9 fours and 3 sixes, batting on a strike rate of 184. It's taken the Falcon bowlers to the cleaners. 109. 14 over, 109. Score sahi kar dijiye. 109. Agar Salan playing his part in the partnership. Stand for the fourth wicket so far. And now they need run a ball. 35 required of 35 deliveries. Run a ball. This time he's hit it and single taken. So Kamran Hussain running for Arsalan. Now Arsalan on 72. Time full delivery, smacked it towards long on, straight to the fielder, one run added to the total. And that's all they need, single every delivery. Nawfal Javed has bowled really well so far. He's into his fourth over. And this time, short delivery hit towards the cover region for one. That's all that Karachi Gymkhana Warriors requires. Now, Nawfal has just two deliveries remaining in his spell. He bowled really well in his four overs.
time full shot towards mid-wicket, and the fielder having some trouble but managed to save it somehow. Another single added to the total with that. 113 on the board with 31 required of 31 deliveries. Last delivery of the 15th over. Full delivery this time hit towards the long off for another single. Score ticking now, 114 for 3 end of 15 overs. 30 runs required of 30 deliveries. With 7 wickets in hand, Arsalan Malik batting on 74, Agar Arsalan batting on 24. And this partnership has played a vital role. 43 runs this time so far in a low scoring game. Now Imran Ansari. So last 5 overs, 30 deliveries, 30 runs required. KG Warriors in a driving seat position. Imran Ansari to bowl his third over, is given away 14 runs so far, picked up in a wicket. 114. Scoreboard 114, 114. This time single taken towards the cover region. So Falcons require wickets, and they require plenty of them for now, as 7 wickets are in hand. They need to run a ball, as the favorite quote of the cricket secretary of Karachi, Gymkhana, run a ball. So we have 29 runs, 29 deliveries. And Arsalan strike. Lighted loopy delivery, used his feet and hit it towards mid-wicket. Will they come back for the second? Yes, they will. 2 runs added to the total now. Arsalan Malik on 76 with 27 runs required. Can he reach his 3-figure mark? That is the question. 76 of 42 deliveries, 9 fours, 3 sixes, played a gem of an inning. Another flighted delivery, went to the back foot, hit it towards the long on region for another single. Scoreboard ticking now, 118 for 3, 26 required of 27 deliveries. With Arsalan Malik batting on 77 now. Time single taken towards the deep mid-wicket region. More like the long leg position, not mid-wicket. So another single added to the total, 119 for 3. 25 runs of 26 deliveries. This time, use his feet, ball going towards the fielder, and it was a chance, missed. And just a single taken. So that happens when this time, use his feet, ball going towards the fielder, and 120 now, 24 of 25. Two easy runs added to the total. And with that, it's now 122 after 16 overs. 122. 16 over. 22 runs required, 24 deliveries. Arsalan Malik batting on 78 and
Warriors require exact 22 runs. Last four overs of remaining of the innings, 22 runs required for Warriors with 7 wickets in hand and a set batsman Arsalan Malik batting on 78. Agha Arsalan played a pivotal role in this partnership as well. Agha Arsalan batting on 28. This partnership is now 51 runs. Crucial partner. This time, fly to delivery, Uzair Usman. Change in bowling, single to start the over, and now Agha Arsalan on strike. Batting on 28. Time, he's hit it towards the mid wicket. No chance for the fielder. Another single added to the total, and that's all they need. Singles and rotation of strike. An odd boundary would kill all expectations of the Falcons. There's only 20 runs required now. Time loopy delivery left by Arsalan, wide signaled by the umpire. Now 19 runs required with 22 deliveries remaining. Wicket, half wicket delivery straight towards the mid wicket, and he misfielded it. And we'll have to check. That looks like a boundary. The fielder claims there's no boundary. If we look in the replay. Wicket, half wicket delivery straight towards the mid-wicket, and he misfielded it. Single added to the total. The flight of delivery hit towards the cover region. Two runs added to the total. Arsalan Malik still running hard. Two more runs added to the total, and with that, now 16 runs required of 20 deliveries. Appeal by the umpire for the stumping. No response by the umpire, so it was safely in. Dot ball, but that won't make a difference as only 16 runs required of 19 deliveries. Arsalan Malik batting on 80. This time hit straight towards the point region. No run added to the total. 128. The last three overs remaining and 16 runs required for Warriors. Falcons require 7 wickets.
128. So 16 runs required of 18 deliveries. Arsalan Malik batting on 80. Batted brilliantly, carried the team single-handedly on his shoulders. 80 of 46 deliveries, 9 fours and 3 sixes. He was the difference. Wide and a boundary. So 3 runs added to the total. Time again, more buys. This time only 1 run taken. Another buy added to the total. With that, only 12 runs required. Dot ball. This time full delivery dot ball. 11 runs required of 14 deliveries now. Up in the air, chance for the fielder, and is it taken? Yes, it is. So the brilliant innings of Arsalan Malik ends, but is it a little too late? And Arsalan Malik taking the walk back to the pavilion after scoring a brilliant innings of 80. A ray of light for the Falcons. They're still in it. They still believe. This time, full delivery hit straight towards the long on region. Will they come back for the second? The answer is yes. So, Kamran Hussain running back for the second. Brilliant running. 2 more runs added to the total, and now only 9 runs required of 13 deliveries. Difficult chance towards the short third man region. Dropped, but no run added.
So dot ball to finish the 18th over. 135, 135. 12 deliveries, 9 runs. Can someone bowl a magical over of 2 runs over here? Ali Zubairi now in to bowl his second over. His first over went for plenty when Arsalan was in full flow and changed the momentum of this game. Arsalan scored 20 runs off Ali Zubairi in the power play. And now 9 runs required of 12 deliveries. Aga Arsalan on strike. Quicker delivery, hits towards the cover region. And that is a run out. And the new batsman in is Humayun Az. There's a bit of confusion in the center, but the bottom line is that very well played by Aga Arsalan. He stayed in with Arsalan Malik and scored 32 important runs. So the hard work has been done and now it's time for the finishing, and the new man in is now Humayun Az. Is on the bowler's end. Sajid is on strike. Time quicker delivery and another dot ball, so the pressure is now mounting. 9 runs, 10 deliveries. Can the Falcons make a comeback? Crucial delivery coming up. Time, another quicker delivery and it's towards a long off region for 4. So the pressure is off, 5 runs, 9 deliveries. Time, another quicker delivery and it's towards a long off region for 4. Another full delivery hit and that's a 6, so that's the end of the game. What a finish, and that's the victory for KG Warriors with 8 deliveries to spare. Another full delivery hit. Humayun Az
coming back without facing a delivery. And that's a six. So that... And KG Warriors won by 5 wickets. So we'll join you back again with the next game.